Press the bell icon for all updates. संतोष जी, सबसे पहले तो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी के आप मालिक हैं, इवन मुंबई टाइगर्स के BCL के ओनर भी हैं. सो ये शो लाने का क्या थॉट था और कैसे ख्याल आया? मैं 2012 में जब मुंबई आया तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ. मैंने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे काम करने के बाद जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं यहाँ कुछ नया करने आया हूँ, तो टेलीविज़न सेलिब्रिटी मैनेजमेंट मेरे ख्यालों में आया. और मेरी शुरुआती आर्टिस्टों में हिना खान, प्रत्युषा बैनर्जी जो हमारे बीच नहीं है, टीना दत्ता जैसे आर्टिस्टों को मैंने साइन किया और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ. छः साल मुझे होंगे कुछ दिनों बाद इस शहर में आए हुए और 4.5 साल से हम लोग पिनाकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट चला रहे हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा आर्टिस्टों को आज की तारीख में हमारी कंपनी मैनेज कर रही है. ये करने के बाद 4 साल जब मैंने ये सब किया तो मुझे थोड़ा सा बोरियत नहीं कहूँगा, बट वही सब हर रोज़ करते करते वही मोनोटोनस वर्क. आर्टिस्ट को काम दिलाना है, आर्टिस्ट को कास्ट कराना है, उनके इवेंट्स बनाने, कुछ नया करना था, एक स्टेप आगे जाना था. तो BCL 2016 में मैंने एक टीम को मैनेज किया था, उनके लिए स्पॉन्सर्स लाए थे. उसी टीम ने मुझे ऑफ़र किया कि प्लीज़ कम विद अस ऑन बोर्ड. और विकी जैन एंड अर्जुन बिजदानी, क्लोज़ फ्रेंड ऑफ माइंड, उनकी टीम थी. मैंने उस टीम को उनके साथ में बाय किया बाकी पार्टनर्स से. तो यूँ मेरा मुंबई BCL का सिलसिला शुरू हुआ. और ये शो मेरे दिमाग में, मैं बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम करता हूँ तो मैंने उनकी रिलेशनशिप को बहुत करीब से देखा है. मैंने उनकी रिलेशनशिप को बहुत नज़दीक से हर रोज़ मेरी आँखों के सामने से गुजरते हुए देखा था. नाम तो नहीं है मेरे पास हालांकि आज कैमरे के सामने देने के लिए, बट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता था जो कपल थे लेकिन कहीं पर कोई किसी दूसरे को पसंद कर रहा था, उन दोनों के अलावा तीसरे को पसंद कर रहा था. तो मुझे ये कॉन्सेप्ट वहाँ से मिला. मेरा पार्टनर है सरबजीत आनंद इसमें, जिसने उस कॉन्सेप्ट पे आगे काम किया, पूरा लिखा. हमने उस शो को MTV को पिच किया और जब हमने MTV को शो पिच किया तो MTV लाइक द आइडिया, क्योंकि उनके जितने भी शोज़ हैं, वो रोडीज़ हो, स्प्लिट विला हो, वो डिफरेंट टेस्ट के शोज़ हैं. एक रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करने के शो हैं, रिलेशनशिप को सुलझाने के शोज़ नहीं हैं. दैट्स वाई दे लाइक द आइडिया एंड व्हेन दे लाइक द आइडिया वी सेड वी आर ऑन. हमने ऐसे कपल्स को ढूंढा, ऐसे ट्रायल्स को ढूंढा, ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट किया, ऑडिशंस रखे कुछ 20 शहरों में. हम लोग पहली बार कश्मीर गए ऑडिशन करने के लिए, हम लोग वेस्ट बंगाल गए, हम लोग जयपुर, आगरा, जोधपुर, देहरादून, ऑल द पॉसिबल सिटीज़, यू नो, जहाँ जहाँ पे ऑडिशंस हो सकते थे. हमने पटना, भिलाई, नागपुर, हर जगह ऑडिशंस किए हैं. हमें अच्छा टैलेंट मिला जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं पहले. शो एवरी थर्सडे 8 PM एंड रिपीट ऑन 11 PM सेम डे एंड संडे 11 PM आ रहा है एंड रेटिंग्स आर गुड, सो वी आर एक्साइटेड. ओके सर, इसकी TRP की बात करें, एक्सपेक्टेशंस की बात करें व्यूवर्स से, सो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपको? BCL जब अलग ही है, कंट्रोवर्सी है, एक्स गर्लफ्रेंड करंट गर्लफ्रेंड मिक्स है, सो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे बताया MTV पे सुलझाया नहीं गया है कभी रिश्ता, उलझाया गया है. सो आपको ऐसे लगता है कि ये यहाँ पर ऐसा होगा, कहीं कोई रिश्ता मैच होगा? BCL 2016 में जब कलर्स पे आया तो वहाँ पर रेटिंग थी उनकी 0.4-0.5. इस साल जब वो MTV पर आया तो उनकी रेटिंग थी 0.8-1.1 तक. हमारी एक्सपेक्टेशन थी हमारा शो अच्छी TRP पे ओपन हो, जो हुआ है. और उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हमारे शो को देख रहे हैं, जो यूथ इस शो को देख रहा है, वो डेफिनेटली इस शो को देखता रहेगा और उसको इस शो को देखने के बाद में शायद अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, स्टेप फॉरवर्ड करने में मदद मिल रही होगी. मैंने ये नहीं कहा कि MTV रिश्तों को उलझाता है, मैंने ये कहा कि MTV पर जितने शोज़ अभी तक आ रहे थे वहाँ पर लड़ाइयाँ थीं, फाइट्स थीं, रोडीज़ में, स्प्लिट विला में. हम लोग सालों से देख रहे हैं वो शो, डार्क द डेट उनका शो है, जितने भी शोज हैं, लेकिन हमने एक कोशिश की कि कैसे अगर एक लड़का और दो लड़कियां एक रिलेशनशिप में हैं और वहां पर कुछ कन्फ्यूज़न है, देन हाउ दे कैन सॉल्व इट. हमारे मेंटोर्स मनु पंजाबी, इंदी बख्शी जो इस शो के प्रोड्यूसर भी हैं, एंड दिव्या अग्रवाल, उन तीनों ने अपनी अपनी टीम बनाई, टीम चूज़ की और उसके बाद उन्होंने इन लोगों को मेंटोर किया. 20 दिन तक ये लोग वहाँ मौजूद थे सेट पर, सारे लोग एक साथ रहते थे. पहला शो था जहाँ पर मेंटोर और कंटेस्टेंट एक साथ रहते थे. निधवा कोल ने शो होस्ट किया है जो बिग बॉस में थी और निधवा ने बहुत बखूबी इसको किया. और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है लोग इस शो को पसंद कर रहे हैं. MTV इतना एक्साइटेड है, सिर्फ 3 एपिसोड होने के बाद, कल 4th एपिसोड आएगा, कि MTV हमें ऑलरेडी
सेंक्शन दे चुका है हमारे नेक्स्ट सीजन के लेके एंड वी आर नाउ प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड होपफुली वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग मोर बिग सेलेब्स ऑन द शो जिससे शो को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। सो फिर भी आपके ख्याल में कौन से सेलिब्रिटीज होंगे जो नेक्स्ट सीजन में हमें दिखाएंगे? एमटीवी के कुछ अपने फेसेस हैं, मैंने एमटीवी के फेसेस को किसी को भी शो पे नहीं लिया जो अभी तक उनके होस्ट हुआ करते थे, वो मिस्टर रणविजय हों, प्रिंस हों, जो भी उनके फेसेस थे, सनी लियोनी हों। बट इस बार एमटीवी की टीम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और उनके सजेशन हैं कि हम उनके एक या दो ऐसे चेहरे जो अभी तक पिछले 2-3 सालों में आ चुके हैं, हम उनमें से किसी एक को लें। सो हमारी मीटिंग्स अब आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाएंगी। आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग सनी लियोनी, रणविजय, वाई नॉट, दे आर गुड, दे आर बिग, एंड इफ नॉट देन आई हैव सम 100 सेलिब्रिटीज यू कैन वॉच इन माई ऑफिस। सो सम बिगीज ऑफ माई सेलिब्रिटीज और समवन फ्रॉम बॉलीवुड लाइक हुमा कुरैशी और नूरा फतेही आर इन माई माइंड, एंड क्योंकि मैं रिलेशनशिप को सुलझाने की बात कर रहा हूँ इस शो पर। मुझे कुछ भी ऐसा शो नहीं बनाना है जहाँ पर मुझे सिर्फ यूथ को कोई ऑब्जेक्ट ना देना हो, जहाँ यूथ को मुझे कुछ बताना ना हो। आई एम ट्राइंग टू गिव यूथ सम यूथफुल थिंग्स एंड विद मैसेज दैट हाउ दे नीड टू यू नो गो अहेड इन देयर लाइफ विद द रिलेशनशिप्स। ओके, सो कहीं ना कहीं ये शो में जो मेंटोर है वो एक्स गर्लफ्रेंड करंट गर्लफ्रेंड के बीच में जो भी फाइट होती है, तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर्स लाने की भी कोशिश कर रहे हैं ऐसे कुछ? हाँ, पिछले इस सीजन में जो हमने किया है वो हमने यही देखा है, हमने यही जाना है कि मनु एक सॉर्टेड बिग बॉस का कंटेस्टेंट था, वहाँ पर वो पूरे घर के अंदर एक सामंजस्य बना के रखता था। इंदीप बहुत अच्छे सिंगर हैं और दिव्या भी एक ऐसी रिलेशनशिप एक ऐसे शो से आई थी जहाँ वो प्रियांक और निवेदिता पॉल के साथ में थे। तो ऑफकोर्स मेरे मेंटोर ने इन सारे 30 कंटेस्टेंट को यही समझाने और 20 दिन में साथ रख के बताने की कोशिश की कि लाइफ किस तरीके से जी जानी चाहिए। अगर आप कन्फ्यूज हैं अपनी करेंट गर्लफ्रेंड या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या अपनी दो लोगों के रिलेशनशिप के बीच में, तो दोनों के साथ में आप चीट मत करिए, दोनों के साथ आगे मत जाइए, दोनों में से वक्त लीजिए लेकिन किसी एक को चूज़ कीजिए और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट कीजिए। और जब आप लव साइड पर अपनी लाइफ को लेकर सॉर्ट हो जाते हैं तो फिर आप प्रोफेशनली अपनी लाइफ में जो भी आप और काम करना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़ते हैं और वो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू यूथ से कहना चाहूँगा, ज़िंदगी बहुत लंबी है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, आप लोगों के ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं, मोदी जी यूथ को लेकर बहुत सारा काम कर रहे हैं। आप लोग पहले अपनी पर्सनल लाइफ को उतना ज़्यादा सॉर्टेड कर लीजिए, उतना ज़्यादा सुलझा लीजिए कि जब भी आपके दिमाग में आपकी पर्सनल लाइफ आए वो सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर वो सॉर्टेड होगी तो ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्हाटएवर यू वांट टू बिकम एंड व्हाटएवर फील्ड यू वांट टू चूज यू विल बी मोर सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। वेलकम।